नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर। यहाँ पर काफ़ी पब्लिक आ रही है और जो गर्ल्स यहाँ पर आ रही हैं उनसे बातचीत करके जानते हैं कि यहाँ बेटियों को लेकर लड़कियों को लेकर सेफ्टी सुरक्षा कैसी है और इनका क्या कहना है, जानेंगे इनके साथ सीधी बातचीत करके। नमस्कार मैम, आप तो कहिए। अलीशम सॉन्ग। क्या काम करते हो मैम, क्या प्रोफेशन किया? स्टडी। आप कितने समय से जानते हो इस संस्था? फ्रॉम बर्थ। बीइंग गर्ल कैसा महसूस करते हो यहाँ पर? नहीं, बीइंग गर्ल आई रियली फील वेरी प्रोटेक्टिव, मतलब अच्छा फील होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी टाइम से हम यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब मेरे मॉम डैड शुरू से ही मानते हैं डेरे में, तो काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। कभी ऐसा लगा आपको जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा था सेफ्टी को लेकर, या जो भी कवरेज दिखाई गई थी लास्ट 5 ईयर में, कभी आपको ऐसा? नहीं नहीं, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा, क्योंकि मैं पहले हॉस्टल में भी पढ़ी हूँ, गर्ल्स स्कूल हॉस्टल में, लिटर रोसिस ब्रोक से हूँ मैं, एंड सो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ आज तक। जो एलिगेशन संजी के ऊपर लगाए गए हैं, आपको पर्सनली क्या फील होता है? नहीं, पर्सनली मुझे अगर ऑफकोर्स अगर ऐसा फील होता तो मैं आज यहाँ पे ना होती, एंड ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं हॉस्टल में भी रही हूँ, मैंने सभी कहीं जाके देखे, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑफकोर्स हमें हमारे पेरेंट्स को भी हमारी सेफ्टी की बहुत ज़्यादा लोड है, तो ऑफकोर्स ऐसी कोई बात ही नहीं थी, तो एलिगेशन मुझे नहीं लगता ये सब सही है। मैम आजकल हम देखते हैं खासकर यूथ यंगस्टर्स हैं वो बहुत कम पसंद करते हैं स्पिरिचुअल कंसर्ट्स में आना, एक पार्टी एक क्लब्स में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप लोग आज इतनी गर्मी में भी यहाँ पर पहुँचे हो, मतलब क्या रीज़न है? बिकॉज हम शुरू से ही एक तो क्लोज है, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, जैसे हम बीइंग अ गर्ल आई रियली लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर, लाइक हॉस्टल, उन्होंने हमें शुरू से ही बहुत कुछ सिखाया है, मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन। सो क्या क्या यहाँ पर अच्छा क्या लगता है, मतलब अगर सोशली बात की जाए सोसाइटी के लिए क्या है? काइंड ऑफ पीस एंड सोशली वेलफेयर वर्क जैसे हमें सिखाए गए हैं, तो अगर देखा जाए तो हमें ये सब कुछ करना अच्छा लगता है। नीड है इस समय समझी की सोसाइटी में वापस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम में, जैसे सारी। क्या अपील करना चाहोगे सरकार से? ये कि एलिगेशंस जो लगाए गए हैं वो ऑफ कोर्स झूठे हैं, अगर ऐसी कोई बात होती तो यहाँ पे इतनी करोड़ों दुनिया 6 करोड़ जनता मानती है, उसमें से लड़कियाँ भी कितनी हैं, तो अगर ऐसे एलिगेशंस होते तो ऑफ कोर्स वो यहाँ पे कभी भी ना आते। तो मुझे यही है कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएं और हमारे बीच में। नमस्कार, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।